हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का सिक्स्थ वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उस फाइल या डायरेक्टरी का ओनर या ग्रुप कैसे चेंज किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप से ऑन की गई हो या बिलोंग करती हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको chown कमांड के साथ में डबल हाइफन प्रॉम्प्ट लेट यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी फाइल का या डायरेक्टरी का ओनर चेंज करना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूजर से ऑन की गई है, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना होगा chown स्पेस डबल हाइफन इक्वल टू एग्जिस्टिंग ओनर, उसके बाद स्पेस देकर आपको न्यू ओनर टाइप करना है, और उसके बाद उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है जिसका आप ओनर चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है test.txt जिसका करंट ओनर है माई सॉल्यूशंस, और उसको मैं न्यू ओनर असाइन करना चाहता हूँ एडमिन। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होगा chown डबल हाइफन फ्रॉम इक्वल टू माई सॉल्यूशंस स्पेस एडमिन स्पेस test.txt। जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड क्या चेक करेगा कि test.txt फाइल का करंट ओनर माई सॉल्यूशंस है या नहीं। अगर होगा तो ये न्यू ओनर उसको असाइन करेगा एडमिन, अगर नहीं होगा तो ये उस ओनर को चेंज, करंट जो ओनर है उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये कमांड फेल हो जाएगा, करंट ओनर इंटैक्ट रहेगा, करंट ओनर को ये चेंज नहीं करेगा अगर एग्जिस्टिंग ओनर माई सॉल्यूशंस नहीं हुआ तो। ठीक है, उसी प्रकार यदि आप किसी फाइल या डायरेक्टरी का ग्रुप चेंज करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हो, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chown डबल हाइफन फ्रॉम इक्वल टू कॉलन एग्जिस्टिंग ग्रुप, उसके बाद स्पेस कॉलन न्यू ग्रुप, उसके बाद उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है जिसका आप ग्रुप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, test.txt फाइल का हम ग्रुप चेंज करना चाहते हैं जिसका करंट ग्रुप है माई सॉल्यूशंस, और न्यू ग्रुप हम उसको असाइन करना चाहते हैं एडमिन, तो उसके लिए कमांड होगा chown स्पेस डबल हाइफन फ्रॉम इक्वल टू कॉलन माई सॉल्यूशंस स्पेस कॉलन एडमिन स्पेस test.txt फाइल। ये कमांड जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी सबसे पहले चेक करेगा कि उस फाइल का करंट ग्रुप माई सॉल्यूशंस है या नहीं। अगर होगा तो ये उसको न्यू ग्रुप असाइन करेगा एडमिन, अगर नहीं होगा तो ये उसका जो करंट ग्रुप है उसको चेंज नहीं करेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूं मैं cd/etc माय सॉल्यूशंस, और उसके बाद मैं मूव करता हूं cd ओनर। इस तरह कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए, तो देखिए यहां पर आपको दो इस डायरेक्टरी में दो फाइल अवेलेबल है abc.txt और my.txt, और एक डायरेक्टरी अवेलेबल mylib। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल आप देख सकते हैं my.txt फाइल जिसका करंट ओनर है A2 और करंट ग्रुप है group 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर चेक कर लेते हैं पास्ट भी कौन कौन से यूजर अवेलेबल, जैसे A1 अवेलेबल है, A2 है, अजय है, विजय है, माय सॉल्यूशंस है। उसी प्रकार हम ग्रुप चेक कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल है सिस्टम में, तो group 1, group 2, my group, A1, A2, AB, VJ, अजय, my solution, इतने सारे ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, तो अब my.txt फाइल का मैं ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ, इसका सॉरी ओनर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका करंट ओनर है A2, तो उसके लिए मैं कमांड एग्जिट करूंगा chown डबल हाइफन फ्रॉम करंट ओनर कौन है A2, उसके बाद न्यू ओनर में इसको असाइन करना चाहता हूँ माई सॉल्यूशंस। ठीक है, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम आपको, उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है। चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर my.txt फाइल का फाइल को न्यू ओनर असाइन हो गया है माई सॉल्यूशंस, क्योंकि इसका करंट ओनर A2 था। ठीक है, यदि इसका करंट ओनर A2 नहीं होता तो ये ओनर चेंज करता या नहीं चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे अभी इसका करंट ओनर है माय सॉल्यूशंस, तो फिर से मैं इसको असाइन करता हूँ chown डबल हाइफन फ्रॉम A2। ठीक है, और नया ओनर इसको असाइन कर रहा हूँ A1। ठीक है, और उसके बाद उस फाइल का नेम, कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, चेक कर लीजिए।
तो देखिए इस बार यहाँ पर इसका ओनर चेंज नहीं होगा, A1, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, जो करंट ओनर था माई सोल्यूशंस वो वैसा ही रहा, ठीक है, नया ओनर इसको असाइन नहीं हुआ क्योंकि इसका जो एग्जिस्टिंग ओनर है वो A2 नहीं था, ठीक है, यहाँ पर चेंज हुआ था क्योंकि इसका जो एग्जिस्टिंग ओनर था वो A2 था, इसलिए इसने नया ओनर माई सोल्यूशंस को असाइन कर दिया था, ठीक है। जबकि इस बार क्या हुआ कि इसका जो करंट ओनर था वो माई सोल्यूशंस था, नहीं कि A2, इसलिए इसने जो करंट ओनर है उसको चेंज नहीं किया। अगर करंट ओनर A2 होता तो उसको न्यू ओनर असाइन होता A1, ठीक है। उसी प्रकार ग्रुप के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इसका करंट ग्रुप है ग्रुप 1, CHOWN --, फ्रॉम --, ग्रुप 1, ठीक है, और न्यू ग्रुप में असाइन करना चाहता हूँ ग्रुप 2, my.txt। तो देखिए इसका न्यू ग्रुप असाइन हो चुका है ग्रुप 2, क्योंकि इसका करंट ग्रुप ग्रुप 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर करंट ग्रुप ग्रुप 1 नहीं होता तो ये चेंज नहीं कर पाता। जैसे यही ग्रुप हम ये कमांड वापस फिर से एग्जिट कीजिए, और इस बार मैं ग्रुप असाइन कर रहा हूं उसको माई ग्रुप। तो देख लीजिए यहाँ पर करंट ग्रुप इसका इस बार चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका करंट ग्रुप ग्रुप 1 नहीं है। तो ये कमांड जैसे एग्जिट करेंगे तो ये कमांड चेक करेगा कि इसका करंट ग्रुप ग्रुप 1 है या नहीं। तो करंट ग्रुप ग्रुप 1 नहीं था, ग्रुप 2 था, इसलिए इसने नया ग्रुप उसको असाइन नहीं किया, ठीक है, जो उसका पुराना ग्रुप था वो वैसा वैसा ही रहा, ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ चेक करना चाहते हैं, जैसे my.txt फाइल का जो करंट ओनर है वो माई सोल्यूशन है और करंट ग्रुप है ग्रुप 2, ठीक है, अगर दोनों जैसे ओनर और ग्रुप एक साथ आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए होगा CHOWN कमांड --, फ्रॉम --, ओनर माई सोल्यूशन ग्रुप 2, और न्यू ओनर में असाइन करना चाहता हूँ उसको A1, और ग्रुप असाइन करना चाहता हूँ माई ग्रुप, और उसके बाद उस फाइल का नेम चेक कर लीजिए। तो ये कमांड जैसे आप एग्जिट करेंगे तो ये कमांड चेक करेगा कि my.txt फाइल का करंट ओनर माई सोल्यूशन है और ग्रुप करंट ग्रुप 2 है या नहीं, ठीक है। अगर ये मैच होगा कि उसका करंट ओनर माई सोल्यूशन होना चाहिए और करंट ग्रुप ग्रुप 2 होना चाहिए, तभी ये उस फाइल को नया ओनर असाइन करेगा A1 और नया ग्रुप असाइन करेगा माई ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच हो गई है, इसलिए इसने नया ग्रुप नया ओनर को असाइन किया A1 और नया ग्रुप असाइन किया माई ग्रुप। अगर ये एक भी मैच नहीं होता तो ये कमांड उसको नया ग्रुप या नया ओनर असाइन नहीं करता। तो चेक कर लीजिए CHOWN --, फ्रॉम, यही हम इसको यही कमांड फिर से एग्जिट कर दीजिए, और यहां पर मैं तो देख लीजिए यहां पर अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि उसका करंट ओनर माई सोल्यूशन होना चाहिए और करंट ग्रुप माई ग्रुप होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, ठीक है, दोनों बैच होने चाहिए, तभी ये क्या करेगा उसको न्यू ओनर असाइन करेगा A1 और नया ग्रुप असाइन करेगा ग्रुप 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करंट ओनर है वो A1 है, नहीं कि माई सोल्यूशन, करंट ग्रुप है माई ग्रुप, ठीक है, नहीं कि जो मैच हो रहा है, लेकिन दोनों मैच नहीं हुए इसलिए इसने क्या किया, जो उसका करंट ग्रुप था करंट ओनर और करंट ग्रुप था वो चेंज नहीं किया, वो वैसा वैसे रखा A1 और माई ग्रुप, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उस फाइल या डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप कैसे चेंज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या यूजर से ऑन की गई है, या यूजर या ग्रुप से ऑन की गई या उससे बिलोंग करती हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।